एक नया प्लेलिस्ट चालू किया है जिसमें मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड कुछ आपको टिप्स ट्रिक्स दूंगा और कुछ सिखाऊंगा कैसे आपको इंस्टाग्राम में स्टोरीज फोटोज और वीडियोज को एडिट करके डालना है या रील्स को एडिट करके डालना है तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाना कैसे आपको अपने वीडियोस में मतलब वायरल वीडियोस को कैसे क्रिएट करना है रील्स में जो वायरल वीडियोस है है उसको कैसे कलर ग्रेड करना है, या रील्स के लिए कैसे अपने वीडियोस को कलर ग्रेड करना है है कौन सा बेस्ट टाइम होता अपलोडिंग का और कैसे आपको अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करना है थोड़ा बहुत तो इन चार तीनों चीजों पर आज हम डिस्कशन करेंगे पहले हम जान लेते हैं कैसे आपको एडिट करना है उसके बाद हम जानेंगे कैसे बाकी दोनों काम करना है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक दिखेगा और चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिएगा तो चलिए पहले जानते हैं एडिट कैसे करना है तो अगर आपको अपने वीडियोस को एडिट करना है अपने रील्स के लिए तो आपको सिंपली से काइन मास्टर को ओपन सॉरी काइन मास्टर को नहीं पावर डायरेक्टर को ओपन करना है पावर डायरेक्टर में मैं क्यू ओपन करने बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें आप कलर ग्रेड बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एक वीडियो है तो यहाँ पे मैं फ़िल्टर पे जाऊँगा फ़िल्टर पे जाने के बाद यहाँ पे एक फ़िल्टर मिलेगा आपको बेबी करके तो इस बेबी वाले फ़िल्टर को आप ऐड कर दीजिए उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो ये आप सब काइंड मास्टर में ऑप्शन नहीं मिलता है इसीलिए मैं इसमें बता रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने इसे किया सेचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा लिया अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हो इसे तो यहाँ पर मैंने इसे यू को थोड़ा सा पाँच चार पर कर दिया इसे बढ़ा लिया टिंट को थोड़ा सा ठीक कर लिया और शार्पनेस को थोड़ा ठीक कर लिया बस आप इतना में ही कलर ग्रेड हो गया अब इतना में आप काम कर सकते हो देख सकते हो आप इतना में ही काम कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है और उसके बाद आप आराम से इसको एडिट कर लिए और आप इसमें कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो यहाँ से आराम से देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है लेयर पे आप जैसे ही जाओगे यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप से टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है जिसको आप एडिट करके अपने वीडियोज़ को अच्छी तरीके से बना सकते हो देखिए यहाँ पे मैंने ऐसे किया यहाँ पे आप कोई भी वीडियो को मतलब किसी भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो और यहाँ पे ये यह जो आएगा ये बहुत अच्छा एरो मै देखिए ऐसे खुलेगा और ऐसे बंद होगा तो बस इतना ही करना है आपको और छोटा मोटा वीडियोज भी बनाते हो तो कुछ स्पेशल बात नहीं है कि आप रील्स में इतना एडिट करोगे तो चलिए एडिट होने के बाद आपका सिंपली से आता है अपलोडिंग का प्रोसेस अब अपलोड किस टाइम पे करना है उसके लिए आपको सिंपली से अपने इनसाइट्स पे जाना है इनसाइट्स पे जाने के बाद आपको यहां पे अपने फॉलोअर्स पे जाना है फॉलोअर्स पे जाने के बाद आपको यहां पे दिख रहा होगा नीचे में संडे मंडे ट्यूजडे का ऑप्शन आप, आप पार करोगे तो जो भी डेट पे आप अपलोड कर रहे हो उस डेट पे जाइए और देखिए कि कौन सा बेस्ट टाइम है जब आपके सारे जितने भी जेन्युन फॉलोअर्स हैं जो एक्टिव रहते हैं या इंस्टाग्राम ज्यादा चलाते हैं वो किस टाइम पे ज्यादा एक्टिव है किस टाइम पे ज्यादा रेशियो बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे आपको अपलोड नहीं करना है उस टाइम पे अपलोड नहीं करना है उस टाइम पे करना भी नहीं भी करना है आप कैसे जैसे मान लीजिए मैं एक टाइम लेता हूं 6 बजे शाम को मेरे सारे व्यूअर्स एक्टिव रहते हैं ज्यादातर तो मैं क्या करूंगा कि साढ़े पांच बजे अपने वीडियो को अपलोड कर दूंगा आधा घंटा पहले ही और उसमें अच्छे अच्छे हैशटैग टैग सब कुछ डालूंगा ऐसा हैश जो आपको वायरल करने पे मदद करे ट्रेंडिंग फॉर यू रील्स कुछ कुछ हैशटैग्स है जिसका मतलब मैं यहां पे नीचे में दे दूंगा या आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करोगे तो मैं वहां पे आपको सेंड कर दूंगा जो आपको हमेशा परमानेंट अपने रील्स पे लगाना है जिससे आपका रील्स थोड़ा आगे आए अब उसके बाद इंस्टाग्राम जब आधा घंटा पहले मैंने अपलोड किया जैसे ही वो लोग छे बजे एक्टिव होंगे तो उन्हें मेरा वीडियोस ऊपर दिखना चाहिए इसलिए मैंने पहले अपलोड कर दिया तो मतलब वो वीडियोस आएगा उनके सामने वो खोले लाइक किए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए ये सब आपको तो मतलब पता ही है वो अगर करने का मन होगा तो वो कर देंगे तो इस तरीके से लोगों तक आपका वीडियो पहले पहुंचेगा अगर आप एकदम छह बजे ही अपलोड करोगे तो ये भी हो सकता है वो कुछ और काम में लगे हुए हो या वो नॉर्मल रील्स स्क्रोल कर रहे हो तब ऐसा भी हो सकता है कि आपके वीडियोज पर उनका ध्यान ना जाए तो अगर आप पहले अपलोड करोगे तो ओपन करते ही इंस्टाग्राम पे उनके सामने पहले ही आ जाएगा या अगर वो उस समय एक्टिव होंगे तो उनका लाइक आ ही जाएगा आपको ऐसे ही मतलब थोड़ा देर पहले अपलोड कीजिए थोड़ा देर पहले या छह बजे एकदम करेक्ट नहीं छः दस पे छह बीस पे ऐसे करके अपलोड कीजिए बहुत जेनवन तरीका बहुत सिंपल सा तरीका है। दूसरा आपको इसमें फॉलोअर्स कैसे इंक्रीज करने फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो पाएंगे पहली बात फॉलोअर्स इंक्रीज नहीं हो पाएंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपने जो मतलब इंस्टाग्राम रील्स है उसमें आपको हमेशा लिखना है चेक माय रील्स चेक माय स्टोरी इससे आपके स्टोरी रील्स और जो फोटोज है उसमें व्यूज इंगेजमेंट ये सब बढ़ेगा जैसे ही लोग आपके प्रोफाइल पे क्लिक करके जाएंगे तो प्रोफाइल विजिट बढ़ेगा तो इससे इंस्टाग्राम को लगेगा कि बहुत ज्यादा इसका प्रोफाइल विजिट है ये सब बहुत इंगेजमेंट बहुत ज्यादा है आपके अकाउंट को वो शेयर करना चालू कर देगा लोगों तक पहुंचाना चालू कर देगा और जैसे ही वो हजार से डेढ़ हजार लोगों तक दस हजार लोगों तक पहुंचेगा वैसे ही आपके फॉलोअर्स सौ बढ़ रहे तो डेढ़ सौ बढ़ना दो सौ बढ़ना तीन सौ बढ़ना चालू हो जाएंगे धीरे धीरे और अभी तक अगर आप, आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जाके फॉलो कर लीजिए मैं वहां पर रील्स अपलोड करते रहता हूं अगर आपको रील्स पसंद आए तो आप मुझे स्टोरी पे मेंशन जरूर कीजिएगा तो चलिए आज की वीडियो को हम यही एंड करते हैं अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।